नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। रीट लेवल टू और लेवल वन की रिसफल और वेटिंग की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें रीट लेवल द्वितीय की काउंसलिंग पूर्ण हो चुकी है और अब फाइल स्वीकृति के लिए निर्वाचन आयोग के पास भेज दी गई है और उम्मीद की जा रही है कि निर्वाचन आयोग इस मामले में जल्द निर्णय करेगा और अभी पोस्टिंग की अनुमति दे देगा। लेकिन लेवल प्रथम की वेटिंग और रिसफल सूची अभी तक जारी नहीं की गई है और अभ्यर्थियों का इसका बेसब्री से इंतज़ार है। अब ये तो भविष्य ही बताएगा कि कब कितने समय में इनकी वेटिंग आने वाली है। इस वेटिंग की संभावनाओं को लेकर और कितनी सूची और आएगी, हम एक और वीडियो लेकर हाजिर होंगे। फिलहाल हम बात करेंगे आज की न्यूज़पेपर में जो रीट लेवल सेकेंड को लेकर न्यूज़ आई है उसके बारे में, और अगले वीडियो में हम ये भी विचार करेंगे कि लेवल प्रथम की नियुक्ति भी क्या लेवल द्वितीय के साथ ही ली जा रही है। तो इन सब चीज़ों पर हम विचार करेंगे अगले वीडियो में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए, जैसे ही ऐसी न्यूज़ हम लोड करेंगे आपके पास पहुंच जाएगी। और शिक्षा और रोज़गार से संबंधित सभी समाचार हमारे चैनल पर लगातार मिलते रहते हैं, इसलिए सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के समाचार पत्रों की कुछ न्यूज़ इस प्रकार दी गई है, आइए देखते हैं। एक न्यूज़ जो आज के समाचार पत्रों में प्रमुखता से छपी है वही है कि काउंसलिंग प्रक्रिया जो है वो पूर्ण कर ली गई है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि प्रदेश के करीब 15,000 शिक्षकों की निगाहें अब चुनाव आयोग पर हैं और स्वीकृति के बाद ही पदस्थापन जारी किए जाएंगे। तो ये न्यूज़ है वो रीट लेवल सेकेंड की रिसफल और एक वेटिंग लिस्ट की काउंसलिंग से संबंधित है। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इन्हें पदस्थापन कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, पूरी प्रक्रिया इसमें बताई हुई है कि इनमें से बहुत से शिक्षक हैं जिनकी पहली बार नियुक्ति हुई है, वहीं सैकड़ों शिक्षक ऐसे भी हैं जिनके जिले बदले गए हैं और लोकसभा चुनाव 2019 यानी लोकसभा इलेक्शन 2019 की आचार संहिता लगने के कारण प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने इनकी काउंसलिंग तो करवा दी है लेकिन इन्हें अभी तक पदस्थापन नहीं दिया गया है। तो पदस्थापन से संबंधित ये जो बड़ा इश्यू है वो इस वक्त का है और आप सभी को शायद इनका इंतज़ार है कि कब स्वीकृति है। इसके संदर्भ में एक चीज़ और भी दी हुई है कि इन शिक्षकों की 11 मार्च को काउंसलिंग हुई थी, हालांकि कुछ जिलों की 13-14 तक काउंसलिंग थी। मेरिट के आधार पर अन्य जिलों से इन शिक्षकों को रिलीव भी कर दिया गया लेकिन अब इनके सामने परेशानी पैदा हो गई है कि क्या किया जाए। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ओम प्रकाश खसेरा ने बताया कि शिक्षकों की काउंसलिंग करवा ली गई है, इनके पद स्थापन के लिए निर्वाचन विभाग से स्वीकृति मांगी है, वहाँ से स्वीकृति मिलने पर ही इनका पद स्थापन हो सकेगा। तो निदेशालय में ये बात क्लियर हो चुकी है कि पहले परमिशन मिलेगी उसके बाद ही इनका अपॉइंटमेंट हो पाएगा। बाड़मेर की एक न्यूज़ यहाँ पब्लिश हुई है कि 2018 की रिसफल और वेटिंग के जो कैंडिडेट हैं उनकी काउंसलिंग गुरुवार को दूसरे दिन पूर्ण हो गई है। इसमें कुछ डाटा भी दिए हुए हैं, वो डाटा एक ही दिन के हैं, आगे पीछे के नहीं। इससे पहले और बाद में भी शायद इससे पहले दिन भी काउंसलिंग हुई थी और यहाँ पर एक गोपाल सिंह जी सोडा के रेफरेंस से बताया गया है कि संस्कृत के 10, गणित विज्ञान के 113 और हिंदी के 195 और सामाजिक के 101 शिक्षकों की काउंसलिंग कर स्कूल आवंटित कर दिए गए हैं और यहाँ मेले जैसा माहौल नजर आया। धन्यवाद। अब शिक्षा और रोजगार के समाचार हर सप्ताह हमारे चैनल पर लगातार उपलब्ध हैं, इसलिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर